हेलो जी, नमस्ते। देसी चूल्हा किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए हलवा रेसिपी लेकर आए हैं। हलवा चाहे किसी भी चीज़ का हो, बच्चे हो या बड़े, सभी को हलवा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आज हम बनाएंगे मूंग दाल का हलवा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए एक कटोरी मूंग की दाल को 3 से 4 घंटे पानी में भिगाकर छन्नी में छानकर उसका पानी निकाल दिया है। मेजरमेंट मैंने एक ही साइज की कटोरी से किया है। 2 कटोरी पानी, 2 कटोरी दूध, घी लेंगे 1 कटोरी, चीनी 1 कटोरी, थोड़े से काजू बादाम जिसे मैंने काट कर फ्राई कर लिया है, केसर दूध में भीगा हुआ, इलायची पाउडर आधी छोटी चम्मच। केसर ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। अगर हम 1 कटोरी मूंग दाल लेंगे तो उसमें हम 4 गुना पानी दूध मिला के डालेंगे। सबसे पहले हम दाल में 1 बड़े चम्मच के लगभग पानी डालेंगे और इसे पीस लेंगे। दाल में हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। दाल को हमने हल्का दरदरा ही रखा है। सबसे पहले हम एक कढ़ाई या पैन लेंगे जिसमें हम हलवा बनाएंगे। घी डाल देंगे उसमें। अभी हमने गैस ऑन नहीं किया है। अब पिसी हुई दाल डाल देंगे। अब दाल और घी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि इसमें गुठलियाँ न बने। अगर हम गर्म घी में दाल को डाल देंगे तो गुठलियाँ इसमें जल्दी बनने लगती हैं, जो हमें नहीं चाहिए। अगर आप पहली बार मूंग का हलवा बना रहे हैं तो इसी ट्रिक को फॉलो करें। घी और दाल को अच्छे से मिला लिया है मैंने। अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस ऑन कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए हमें भूनना है। जब तक हमारी दाल भून रही है, हम एक शुगर सिरप तैयार करेंगे। पानी डाल देंगे 2 कटोरी जो मैंने लिया था, चीनी, और इसे हमें हाई फ्लेम पर रखकर पकाना है चीनी मेल्ट होने तक। दाल भी हमारी भूनकर क्रम्बल जैसे बन गई है। इसमें हम दूध डाल देंगे। दूध को एक बार में हम पूरा नहीं डाल देंगे, आधा आधा करके डालेंगे। एक बार डाल के इसे हम 2 मिनट तक भून लेंगे, उसके बाद फिर दोबारा हम डाल देंगे। फ्लेम हम हाई ही रखेंगे। अब बचा दूध भी हम डाल देंगे और इसे हमें फिर से दूध सूखने तक भून लेना है। आप चाहें तो इसमें दूध की मात्रा कम करके पानी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें 4 कटोरी ही चाहिए। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते तो सिर्फ पानी से भी बना सकते हैं, लेकिन दूध डालने से इसका टेक्सचर थोड़ा क्रीमी हो जाता है, जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। उधर चाशनी भी हमारी बॉयल हो रही। इलायची पाउडर डाल देंगे, केसर डाल देंगे दूध में भीगा हुआ। केसर हमने 10 से 15 धागे लिए हैं। हलवे को भी लगातार चलाते हुए हम भूनते रहेंगे। इसमें से घी निकलना शुरू हो गया है। अब जो हमने शुगर सिरप बनाया था वो हम डाल देंगे इसमें और इसे हमें फिर से हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाना है इस तरीके से। हलवे में पानी भी सूख चुका है। इसमें हम कटे और फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे। नट्स आप अपने अनुसार ले लें, जो भी आपको पसंद हो। आप देख सकते हैं इसे हमें लगातार चलाते हुए अभी भूनना है। फ्लेम हम हाई रखेंगे। अब हलवे को हम तब तक भूनेंगे जब तक हलवे में से घी अलग न होने लगे। मूंग दाल का हलवा थोड़ा जिद्दी हलवा होता है। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, जल्दी घी नहीं छोड़ता है। लेकिन हम तब तक भूनेंगे जब तक घी छोड़ने न लगे, इसलिए आप इसे लगातार चलाते हुए भूनते रहें। इसे बनाने में लगभग 35 से 40 मिनट का समय लगता है। अब हलवा में से घी अलग हो रहा है, इसका मतलब है हलवा हमारा बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कलर भी हलवे का चेंज हो गया है। इस हलवे को आप 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। जब खाने का मन हो निकालें, गर्म करें और सर्व करें। अब हम हलवे को सर्व करेंगे और ऊपर से कटे हुए ड्राई फ्रूट से सजा देंगे। तो एक बार इस तरीके से आप भी मूंग के हलवे को अपने घर में ट्राई करें, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कैसी बनी थी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।